हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है इतरा, सामने आप देख रहे हो मारुति सुजुकी जिम्नी का टॉप ऑफ द लाइन अल्फा वेरिएंट मैनुअल के अंदर। बहुत लोगों को ये कार पसंद आ रहा है, बहुत लोगों को ये कार पसंद नहीं आ रहा है। सो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा 3 पॉइंट बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको देखने के बाद आप हाँ या ना फैसला कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइसिंग बता देता हूँ। तो 30,70,000 इसका एक शोरूम प्राइसिंग है। वहीं अगर ऑन रोड का बात करें तो मैं अभी खड़ा हूँ तिरहुत नेक्सा मुजफ्फरपुर बिहार में। यहाँ पे आपको इसका मोटा मोटा ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 15.95 लाख। सो ये इसका प्राइसिंग है ऑन रोड। स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से, उसके बाद मैं आपको इसका वो 3 पॉइंट भी बताऊंगा। सबसे पहले ग्रिल आपको कुछ इस तरह का सिल्वर कलर का मिलता है, इसमें क्रोम इंसर्ट्स भी है। हेडलैम्प अपने पास एलईडी के अंदर है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन में। हेडलैम्प वॉशर और फॉग लैम्प आपको मिल जाता है। विड्थ का अगर बात करोगे वही थोड़ा आपको कम मिलता है 1645 mm का, जो कि कम है इसके सेगमेंट के हिसाब से या फिर इसके प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो। ये इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा, एक जी वैगन का लुक आपको देता है मॉडिफिकेशन कराने के बाद। 3985 mm का लेंथ मिलता है जो कि अच्छा खासा है। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद जब यहाँ पे देखोगे तो साइड क्लैडिंग आपको मिल जा रहा है जो कि काफ़ी बाहर की तरह निकला हुआ है। और ये है इसका टायर प्रोफाइल, अपने पास अलॉय व्हील है। प्रोफाइल कितना है टायर का वो है 195/80/15 inch का, अपने पास अलॉय व्हील देखने को मिला। डिस्क ब्रेक है यहाँ पे फ्रंट की तरफ और यहाँ पे अंदर की तरफ ये है सस्पेंशन। तो ये कुछ इसका हो गया प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है। इंडिकेटर वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएगा। पीछे वाले टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे। आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सो ये कुछ इसका है रियर प्रोफाइल जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। पुराना वाला अगर आप लोगों ने जिप्सी देखा है ना तो कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर है ये, बस ये थोड़ा सा मॉडर्न जिप्सी टाइप का लगता है। ये इसका कुछ आपको टेल लैम्प जो कि हेलोजन के अंदर है, 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है। और ये है इसका स्पेयर व्हील जिसका बीच में कवर भी आपको मिल जाता है। टायर प्रोफाइल सेम है 195/80/15 inch का। यहाँ पे आप देखोगे जिमनी का बैजिंग आपको मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और ये हो गया कुछ इसका यहाँ का इसका बूट स्पेस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। जिस किसी बूट में भी आपको वो लगा होता है ना स्पेयर व्हील तो बूट थोड़ा भारी हो जाता है। तो यहाँ पर अपना बूट स्पेस है जो कि 5 सीटर होने के बावजूद आपको एक प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड कराता है। तो 211 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है। 50-50 अपना सीट जो है स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे बूट लैम्प भी मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। सो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी तगड़ा है। 50-50 यहाँ मैंने आपको बता दिया। दोनों सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, वो तो जब हम लोग इंटीरियर का बात करेंगे सो वहाँ पे मैं आपको बता ही दूंगा। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर में, वहाँ पे देखते हैं कि कैसा फीचर है और इसके इंटीरियर को भी समझते हैं कि कैसा इसका इंटीरियर देखने में मिलता है। सो ये इसका ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पे किसी तरह कोई फिनिशिंग आपको नहीं मिलता है। ये आपको रग्ड फिनिश देने के लिए दिया गया है। वोटर होल्डर वगैरह का स्पेस यहाँ पर है नहीं। स्पीकर आपको मिल जाता है और ये है कुछ इसका सीट। सीट की तरफ आओगे सो अपने पास पूरा फैब्रिक सीट मिलता है। टॉप मॉडल है फिर भी फैब्रिक सीट मिलेगा। मैनुअली सीट एडजस्ट होता है और अपना हाइट एडजस्टेबल भी आपको मिल जाता है जो कि यहाँ से है। फीचर्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे ना तो आपको यहाँ मिल जाता है एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। उसके बाद हेडलैम्प वॉशर का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था हेडलैम्प वॉशर भी इसमें आपको मिलता है। ये आपको इलेक्ट्रिक ORVM कंट्रोल करने का भी बटन मिल जाता है। बाकी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन तो है ही। अंदर की तरफ बैठते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया 210 mm का, तो काफ़ी ऊंचा भी लगता है। और ये है इसका कुछ इंटीरियर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो क्लस्टर है ना ये भी कहीं ना कहीं पुराना वाला जिप्सी से ही इंस्पायर है। अगर आप लोगों ने देखा है पुराना वाला जिप्सी तो ये वही टाइप का थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा मॉडर्न टच इसमें दिया गया। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है आप इसका क्लस्टर अगर आप इसको ऑन करते हो इसका इग्निशन को। तो लेफ्ट साइड में RPM मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर और बीच में अपना डिस्प्ले वगैरह दिखाता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग, लेदर रैप है और नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम नहीं दिया गया, पूरा गोल स्टेयरिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अपना कॉल वगैरह का बटन मिल जाता है। यहाँ पे अपना इंफोटेनमेंट कंट्रोल है और राइट साइड में अपना यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। सो एक बात हो गया। 9 inch इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा कुछ को सपोर्ट करता है। सो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसका रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पर अगर मैं आपको यूज करके दिखाऊँ तो आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाता है। तो एक बात हो गया। बाकी अगर इधर उधर करे तो यार ठीक ठाक यहाँ पे आपको रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। उसके बाद नीचे की तरफ देखो तो AC वेंट्स आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC है। और यहाँ पे आपको चार बटन मिला जिसमें से ये वाला आपको विंडो कंट्रोल है ड्राइवर साइड वाला, और बीच में आप ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स है। बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे 4x4 का लीवर देखने आपको मिल जाता है। और ये जो दोनों बटन है ये पीछे वाला जो कंट्रोल है पैसेंजर साइड वाला
पावर विंडो उसको कंट्रोल करता है। सो एक बात हो गया। ग्लव बॉक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डिसेंट सा स्पेस देखने को मिल जाता है और ग्रैब हैंडल टाइप का यहाँ पे आपको मिल जाता है। एयर बैग है, टोटल 6 एयर बैग आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर सन वाइजर देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड भी मिल जाता है और उस साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। बाकी यहाँ पे अपना रीडिंग बल्ब मिल जाता है और IRVM अपना जो है सो मैनुअली एडजस्ट होता है। अब यहाँ से लगभग सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आगे वाला जो सीट था ना वो हम लोगों ने पूरा पीछे कर रखा था, आप लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो में यानी पैसेंजर साइड डोर में, वहाँ पे देखते हैं कि क्या फीचर है और कैसा स्पेस मिलता है एज ए पैसेंजर। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले डोर में, सो आपको यहाँ पे वही नॉर्मल रग्ड फिनिश मिलता है, पूरा ब्लैक टाइप प्लास्टिक फिनिश है। और ये आपका पावर विंडो, यहाँ से भी अपना बंदा कंट्रोल कर सकता है। स्पीकर आपको मिल जाता है, टोटल 4 स्पीकर का सिस्टम है। यहाँ पे जो पीछे वाला जो डोर है ना उसमें स्पेस काफ़ी कम है, जबकि आगे वाला जो डोर है उसका जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है। बाकी बैठने के बाद जब आगे वाला जो सीट है वो पूरा पीछे है, फिर भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पैर टच हो रहा है। और लेग ये आपको अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है। सो एक बात हो गया। बाकी यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, 2 सीट बेल्ट मिल जाता है और 50-50 अपना सीट जो है सो स्प्लिट हो जाता है। बीच में आपको बम्प भी एकदम ना के बराबर है। सो एक बात हो गया। इंजन का अगर बात करोगे तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि 103 BHP का पावर जनरेट करता है 113 NM टॉर्क के साथ। सो ये एक बात हो गया इसका इंजन का। अब वादा के हिसाब से मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि इस कार को महिंद्रा थार से बेटर बनाता है। पहला पॉइंट है डिसेंट बूट स्पेस का। इसमें ना आपको 211 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक तरह से प्रैक्टिकल है। उसके बाद इसमें आप 50-50 सीट जो है उसको स्प्लिट करके यानी कि गिरा के और बूट को आप बड़ा कर सकते हो, तो और भी ज़्यादा सामान आप रख सकते हो, कार को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हो। दूसरा पॉइंट, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो है इसका वो एक USP है। ये कार ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा चौड़ा है, जिसके कारण ये छोटा गलियों से कहो या फिर अगर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा रहता है आपके टाउन में सो वहाँ के लिए भी ये कार प्रैक्टिकल बन जाता है। और अगर आपको कभी कभी ऑफ रोड करना है सो वो तो कैपेबल ये है ही, तो दोनों चीज़ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है इसमें कि ये एक प्रैक्टिकल कार है। इसमें क्या है कि इसमें आपको 5-सीटर का भी ऑप्शन है, इसमें 4x4 का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको महिंद्रा थार का भी ये रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है और ये आपको एक क्रेटा का भी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे फीचर वगैरह चाहिए आपको और उसके बाद जितना भी आपको एक नॉर्मल चीज़ चाहिए रहता है कार में वो सारा चीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। सो ये एक 2-in-1 कार का आपको ऑप्शन दे देता है और एक रग्ड फिनिश के साथ और एक ऑन जो आपको रोड प्रेजेंस है वो भी दे देता है। सो ये जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये इसका मेन USP है कि ये आपको एक नॉर्मल क्रेटा का भी काम कर देगा और महिंद्रा थार का भी काम कर देगा। अगर आपको कभी कभी ऑफ रोड करने का मन करता है तो आप ऑफ रोड भी कर सकते हो और आपको कभी फैमिली को भी घुमाना है या फिर आज से आपको प्रैक्टिकल यूज़ भी करना है सो वो काम भी आपका ये कार पूरा कर देता है, जिसकी वजह से वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। तो आपको ये कार कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा दोनों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।